क्या आप लोग जानते हैं एक्सफोलिएशन, मास्किंग, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, ये सब प्रोसेस हमारे लिप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही कवर करने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है लिप्स केयर वीडियो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी स्किन के साथ साथ, अपनी बॉडी हेल्थ के साथ साथ अपने लिप्स एंड ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप अपने लिप्स की केयर कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस होगा एक्सफोलिएशन का, दूसरा प्रोसेस होगा मास्किंग का। वीडियो में कुछ भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रोसेस से, वो होने वाला है लिप्स एक्सफोलिएशन का काम। उसके लिए मैं दो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ, एक हनी और एक वाइट शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं। सो फटाफट से बना लेते हैं ये अपना लिप स्क्रब और फिर करेंगे अपने लिप्स की स्क्रबिंग। लिप्स स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/2 टेबल स्पून ऑफ वाइट शुगर और उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी ऐड कर दिया है। अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा लिप स्क्रब बनकर रेडी हो जाएगा। हमारे लिप्स के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, स्मूथ बनाएगा और अपीयरेंस भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा क्योंकि हमने इसमें मिलाया है हनी। हनी आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। हनी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है हनी। शुगर यहाँ पर एक्सफोलिएशन का काम करेगा और आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप यहाँ पर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं इन केस आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज आप वाइट शुगर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको डेली यूज़ नहीं करना है। अगर आप वीक में 2 टाइम भी यूज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको अपने लिप्स पर जेंटल ही मसाज करनी है एंड हार्डली 2-3 मिनट्स के बाद आप अपने लिप्स को नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। आफ्टर ईच एंड एवरी टाइम यू अप्लाई दिस स्क्रब आपको धीरे धीरे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। देन आप टॉवल की हेल्प से अपने लिप्स को पैट ड्राई कर लीजिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा लिप मास्क बनकर रेडी हो जाएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्क्रबिंग के बाद लिप मास्क अप्लाई करें सो दैट आपकी स्किन दोबारा से रिहाइड्रेट हो सके, मॉइस्चराइज हो सके, आपके लिप्स को नरिशमेंट मिल सके। कोकोनट एंड हनी दोनों ही चीज़ें आपके लिप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इन केस आपके लिप्स पर कोई क्रैक है उनको भी फिल करने में कोकोनट काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा, जर्म फ्री रखेगा और इन केस आपके लिप्स पर कोई स्वेलिंग भी है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। कोकोनट एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह आपके लिप्स के लिए काम करने वाला है। हनी भी आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगा, नॉरिशमेंट देगा, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिप्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी, इन केस अगर पॉसिबल है तो आप इस मास्क को रात को भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। नॉट ओनली दिस बल्कि आपके लिप्स को पिंक बनाने में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है क्योंकि इससे आपके लिप्स का ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा। आफ्टर लिप स्क्रबिंग एंड लिप मास्किंग आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं सो दैट आपके लिप्स प्रोटेक्टेड रहें अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपके लिप्स मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट भी रहें। तो ये थे कुछ लिप केयर होम रेमेडीज़, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आई होप आपके लिए आज की वीडियो यूजफुल रही होगी। फॉर सच मोर वीडियोज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।